आज एक बहुत ही क्विक सी मसाला पुलाव वाली रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप बासमती राइस लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे। अब एक पैन में एक बड़ी चम्मच घी लेंगे और दो बड़ी चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, एक तेज पत्ता, एक इंच दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक स्टार एनिस, आधा इंच जावित्री, इसमें 10 से 12 काजू डालेंगे। इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। काजू रोस्ट हो जाए फिर इसमें एक बड़े साइज का प्याज डाल देंगे। इसे लगभग 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसमें एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज के साथ इसे भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। प्याज रोस्ट हो गया है तो इसमें 1/4 कप फ्रेंच बीन्स डाल देंगे, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप मटर। इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा है। इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। इन सब्जियों को एक बार मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो राइस हमने सोक करके रखा था उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और वो राइस इसमें ऐड कर देंगे। इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। चावल को रोस्ट करने के बाद इसमें 1 कप और 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। जनरली 1 कप चावल में 2 कप पानी ऐड करते हैं, पर क्योंकि हमने चावल को सोक करके रखा था इसलिए इसमें 1 कप और उसके साथ 3/4 कप और पानी ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें एक बार उबाल आने देंगे। पानी के साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड में इसमें 1 बड़ी चम्मच धनिया पत्ता डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच पुदीना पत्ता। उबाल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि राइस बिल्कुल अच्छे से पक जाए और इसका पानी बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। राइस बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसे हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करते हैं। अगर आप नॉर्मल राइस दाल से बोर हो गए हैं, कभी कुछ अलग बनाना है, तो आप ये वेज मसाला पुलाव जरूर ट्राई करें। या फिर अचानक से कभी गेस्ट घर पे आ गए तो आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ रायते के साथ भी आप इसे सर्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप ये वेज मसाला पुलाव एक बार मेरे तरीके से ट्राई करें, और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।